Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, I will translate lesson 11, Toothy Todd, from English book 3. Getting started. Page 113. What do the pictures have in common? तस्वीर में क्या चीज मुश्तरिक है, एक ही क्या चीज है? So students, all pictures are showing cleanliness. तमाम तस्वीर सफाई को शो कर रही हैं. सारे जब इसमें बच्चे जो हैं, हर पिक्चर में बच्चा जो है वो सफाई का ख्याल रख रहा है, अपना ख्याल कर रहा है, देखभाल कर रहा है. फर्स्ट में देखें, ही इज वॉशिंग हैंड. इन द सेकंड, ही इज कटिंग नेल्स. इन द थर्ड, ही इज ब्रशिंग टीथ. एंड इन द फोर्थ पिक्चर, द गर्ल इज कॉम्बिंग हर हेयर. लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इस पर अमल करें. हमाद, फहद, why you didn't come to school yesterday? हमाद, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? फहद, I was not well. फहद ने कहा, मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. हमाद, what happened? क्या हुआ था? फहद, I had toothache. मुझे दांतों में दर्द था. हमाद, did you go to the dentist? क्या तुम डेंटिस्ट के बाद दांत साज के पास गए थे? फहद, यस, ही गेव मी द मेडिसिंस. हाँ, मैं गया था और उसने मुझे दवाई दी. आई एम फीलिंग बेटर नाउ. अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ. हमाद, ओके, लेट्स गो टू द क्लासरूम नाउ. चलो अब क्लासरूम में चलते हैं. लेट्स स्टार्ट लेसन, इट्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन. पेज 114. प्री रीडिंग. व्हाई डू द अबव पिक्चर्स हैव इन कॉमन? सॉरी, वट डू द अबव पिक्चर्स हैव इन कॉमन? इन पिक्चर्स में क्या कॉमन है? दे ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व. ये सब अपना ख्याल रख रहे हैं. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रश अवर टीथ डेली? रोजाना दांत साफ करना क्यों जरूरी है? इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश अवर टीथ डेली बिकॉज ब्रशिंग टीथ डेली सेव अवर टीथ. ये रोज़ाना दांत साफ करना करने से हमारे दांत महफूज रहते हैं हर तरह के कीड़ों से, कीड़ा लगने से और दर्द से. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अरसा पहले. देर वॉज अ विजर्ड, एक जादूगर था. विजर्ड, जादूगर. हु मेड अ न्यू स्पेल, जिसने एक नया जादू बनाया. स्पेल, जादू. हु एवर यूज्ड द स्पेल, जो भी इसको, इस जादू को इस्तेमाल करता, वुड गेट परफेक्ट टीथ, तो परफेक्ट यानी कि सही आला वाले दांत जो है वो हासिल कर लेता उसे, यानी कि मुकम्मल दांत मिलते. द विजर्ड डिसाइडेड, जादूगर ने फैसला किया, टू यूज इट, कि इसको इस्तेमाल करें, ऑन वन ऑफ हिज टॉड, अपने एक टॉड पर, यानी कि मेंढक पर. द विजर्ड डिसाइडेड टू यूज इट ऑन वन ऑफ हिज टॉड, जादूगर ने उसे, यानी वो जो जादू था, उसका जो मंत्र था, एक टॉड पर इस्तेमाल करने का फैसला किया. आफ्टर द स्पेल, जादू के बाद, वॉज कॉस्ट यानी करने के बाद. आफ्टर द स्पेल वॉज कॉस्ट, जादू डालने के बाद, जादू करने के बाद, द टॉड बिकेम अ वेरी स्माइली हैप्पी क्रिएचर. तो टॉड क्या बन गया? टॉड एक बहुत ही मुस्कुराती खुश मखलूक बन गया. नॉट ओनली कुड ही नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड्स, नॉट ओनली कुड ही, वो ना सिर्फ ना ही कर सकता था, नाउ ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, तमाम तरह के खाने खा सकता था. बट ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग, लेकिन उसने बोलना भी शुरू कर दिया था. Not only could he now eat all sorts of food, but also he started to speaking. उसने, वो ना सिर्फ हर किस्म की खुराक खा सकता था, बल्कि उसने बोलना भी शुरू कर दिया था. I am delighted with the change. जी, मैं बहुत खुश हूँ इस तब्दीली से.
मैं तब्दीली से बहुत खुश हूँ। रिपीटेड दी टॉड, टॉड ने दोहराया प्राउडली फखर से, आई प्रेफर ईटिंग कैंडीज टू फीडिंग ऑन फ्लाइज। आई प्रेफर, मैं तरजीह दूंगा ईटिंग कैंडीज कैंडीज खाने को, टू फीडिंग ऑन फ्लाइज मक्खियों को खाने में। आई प्रेफर ईटिंग कैंडीज टू फीडिंग ऑन फ्लाइज। जी टॉड ने फखर से क्या कहा कि मक्खियों को खाना खिलाने से कैंडी खाने को, यानी मक्खियों का खाना खाने से मैं कैंडी खाने को तरजीह दूंगा। दी विजर्ड नोटिस्ड, जादूगर ने अंदाजा लगाया, जादूगर ने देखा दैट दी टॉड वॉज टेकिंग लिटिल केयर, कि टॉड जो है वो थोड़ा ख्याल रख रहा था अबाउट चूजिंग व्हाट टू ईट, कि उसने क्या खाना है उसके इंतखाब में। एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग द टॉड, और वो टॉड को बताता रहा। दी विजिट नोटिस दैट दी टॉड वॉज टेकिंग लिटिल केयर अबाउट चूजिंग व्हाट टू ईट एंड ही केप्ट ऑन टेलिंग दी टॉड। विजिट ने देखा कि टॉड क्या खाता है उसका इंतखाब करने में बहुत कम ख्याल रखता है और वो टॉड को बताता रहा। लुक आफ्टर योर टीथ, क्या बताता रहा कि अपने दांतों का ख्याल रखो। मिस्टर टॉड ब्रश देम, मिस्टर टॉड इनको ब्रश करो, सो यू डोंट गेट अ टूथएक, तो तुम्हें दांतों का दर्द नहीं होगा। अबव ऑल, सबसे बढ़कर, डोंट ईट सो मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें मत खाओ। जी क्या बताता रहा उसको विजर्ड कि अपने दांतों का ख्याल रखो, उनको ब्रश करो और मीठी चीज़ें ज़्यादा मत खाओ। हाउएवर बहरहाल, द टॉड डिडंट प्ले मच अटेंशन, टॉड ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। ही थॉट, उसने सोचा, हिज टीथ वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, कि उसके लिए इसके दांत बहुत मजबूत हैं। ही लाइक्ड एंड एंजॉयड स्वीट सो मच, उसे पसंद थी और उसने बहुत मज़े लिए बहुत सारी कैंडीज के, मिठाइयों के, मीठी चीज़ों के। दैट ही कुडंट इवन ट्राई टू ईट लेस वन डे, लेस, हत्ता कि उसने कभी भी उन जो उसकी कैंडीज थी उसको खाने में कमी करने की कोशिश नहीं की। वन डे, एक दिन, अ टूथ स्टार्टेड डिकेइंग एंड स्लोली द डिकेड स्प्रेड थ्रू आउट हिज माउथ। वन डे, एक दिन, अ टूथ स्टार्टेड, एक दांत ने शुरू कर दिया डिकेइंग सड़ना, एंड स्लोली, और आहिस्ता से, द डिके स्प्रेड, और ये जो सड़ने का अमल था या जो कीड़ा लगने का आप अमल कह सकते हैं, ये सारे दांतों में, थ्रू आउट हिज माउथ, सारे दांतों में फैल गया। सून, जल्द ही, द टॉड फेल्ट, टॉड ने महसूस किया, दैट देयर वर होल्स, के सुराख हो गए हैं इन ऑल हिज टीथ, उसके सारे दांतों में, एंड दे वर स्टार्टिंग टू फॉल आउट, और गिरना शुरू हो गए हैं। He decided to start looking after them. उसने फैसला कर लिया कि वो इनका ख्याल रखे। But by then it was too late. लेकिन अब ये बहुत देर हो चुकी थी। When his last tooth fell out, जब उसका आखिरी दांत गिरा, he lost the ability to talk and eat. तो उसने बोलने की और खाने की सलाहियत जो है वो खो दी, क्योंकि दांतों का आपको पता है बोलने के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है, ये स्पीच ऑर्गन है आपको पता है दांत। नेक्स्ट पेज 115, पुअर मिस्टर टॉड, बेचारे मिस्टर टॉड, इफ़ ही हैडंट लॉस्ट दैट लास्ट टूथ, ही कुड हैव टोल्ड द विजिट टू गिव हिम न्यू टीथ एंड वुड प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द न्यू वंस बेटर। If he couldn't lost, he if he hadn't lost that last tooth, अगर वो आखिरी दांत ना खोता, ना गिराता, उसका आखिरी दांत ना गिरता, he couldn't have told the wizard, वो जादूगर से कहता, to give him new teeth, कि नए उसको दांत दे, and would promise to take care of the new ones better, और वादा करता कि वो उन नए दांतों की अच्छी तरह से हिफाजत करेगा। उसने वो आखिरी दांत ना खोया होता तो वो जादूगर से कह सकता था कि उसे नए दांत दे दे और नए दांतों की वो बेहतर देखभाल करने का वादा करे।
नथिंग कुड बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता था. देयर इज नथिंग मोर डिस्टेस्टफुल देन ईटिंग बग्स, कीड़े खाने से ज़्यादा नागवार कोई चीज़ नहीं है. आफ्टर रीडिंग वाई शुड वी ईट फ्यूवर कैंडीज, कि हमें थोड़ी कैंडीज क्यों खानी चाहिए. वी शुड ईट फ्यूवर कैंडीज बिकॉज इट डैमेज आवर टीथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल वी रिमेन हेल्दी बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, क्या दांतों का ख्याल रखकर हम सेहतमंद रहेंगे. आंसर इज येस, वी रिमेन हेल्दी बाई टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन लेसन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल.